रहेंगे जी हाँ, साथ में ये नहीं खेल रहे हैं अलग अलग ग्रुप में, बट यार अगर फाइनल्स में क्वालिफाई कर जाते हैं तब तो दिखेंगे दिखेंगे, बट यहाँ पे टीम टपाटप के सामने कोई और चुनौती यहाँ पे आती नजर आ रही है। ये चुनौती का जवाब टीम टपाटप कैसे देगी, ये चीज मैं जरूर देखना चाहूंगा। और यहाँ पे चुनौती के जवाब में आपके सामने आ चुकी है एक अंडरडॉग लाइनअप। टीम MVL थॉर व्हाइट, आई थिंक ये पहले वाला ही जो सिनेरियो था फर्स्ट टाइप का जो मैच था उसी का यहाँ पर सिनेरियो एक बार फिर से कन्वर्ट कर दिया गया है। ओह ओह, नो क्लच गॉड, नो क्लच गॉड, आप इस तरीके से पीक नहीं दे सकते हैं। पावर है यहाँ पर, क्षमता है उन अंडरडॉग्स पर जो अभी तक यहाँ तक अगर आ सकते हैं तो आगे भी जा सकते हैं। टीम MVL वर्सेस टीम टपाटप, वी हैव नियो क्लच गॉड, सी गॉड एंड जोनाथन आउट देयर, शेयर एक्सपीरियंस इन दिस लॉबी, बट क्या ये अंडरडॉग टीम एक ऐसी टीम के साथ 4v4 का टक्कर का मुकाबला दे सकती है जहां पर टपाटप भी बोले कि यार फाइट तो मिली, मजा आया, जो टीम सामने थी टक्कर की थी। ऐसी फाइट भी अगर हो तब भी मैं कहूंगा अंडरडॉग्स के लिए यहां पर जो क्वालीफाई कर आए हैं ना वो तब भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। कनिकी M249, और देखिए इसमें बहुत छोटी सी चीज है ये, बट किसने अच्छे तरीके से कनिकी ने उसको एग्जीक्यूट करा। चाहते तो इस वॉल के लेफ्ट हैंड साइड पर भी रिवाइवल दे सकते थे, बट उन्होंने राइट हैंड साइड पे बुलाया ताकि उस विंडो से ओपन साइट मिल जाए और टीपीपी एंगल मिल जाए। देखिए टीम MVL ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ टीम टपाटप, इट सीम्स लाइक दैट। आई मीन यू नो, जब आप सबसे बेस्ट गन गेम वाली टीम को चैलेंज करते हो, आई एम डैम श्योर टीम टपाटप इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन इंडिया जो गन गेम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एफर्ट दिखाती है, जो रश करती है, अग्रेस करती है, बट यहाँ पे उनको चैलेंज दिया जा रहा है उन्हीं के घर बूट कैंप के अंदर, एंड दैट्स कमेंडेबल कमिंग इन फ्रॉम MVL। बट क्या यहाँ पे वो सक्सेसफुल होगा, ये भी चीज मैं भी देखना चाहूंगा। अभी के लिए एक प्लेयर को गवा चुके हैं MVL, दूसरा प्लेयर भी यहाँ पे नॉक हो जाता है, थोड़ी यहाँ पे सामने आते प्लेयर को जरूर नॉक करेंगे। इनके पास वेक्टर है, म्यूटेंट इनके पास है, ओपन में जाना खतरे से खाली नहीं है। ओपन में गए, गलती साबित हुई, गए जरूर थे। अब कनिकी लास्ट मैन स्टैंडिंग, एंड यू नो मायावी कनिकी, मैं देखना चाहूंगा क्या एक क्लच कर सकते हैं। अभी के लिए दो प्लेयर नॉक हैं टीम टपाटप के भी, अच्छा एफर्ट था वहां पे थोर की तरफ से, म्यूटेंट के साथ वहां पे रश किया, लेकिन जो ज़ीगोल्ड का बैकअप था वो काफी अच्छा साबित हुआ वहां पे। निकी को यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, रिवाइवल दे दिया ना, वो हील कर लेगा, आप वहां पर जाकर अटैक करोगे, वहां पे दो प्लेयर्स नॉकआउट है, यहीं पर थोड़ा सा रुक जाते। देखिए यहाँ पर भी रुके हुए, ये भी सरप्राइज अटैक से कम नहीं है, सामने जीगोर को नॉक कर सकते, क्लियर मौका था, मौका छोड़ दिया, मौका गवा दिया, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नीचे देखो वहां जो दो प्लेयर्स नॉकआउट है उनको रिवाइवल नहीं मिला है। आई स्टिल बिलीव कि यहाँ पर ये अंडरडॉग टीम, ये क्वालिफाइड टीम, टीम टपाटप को जबरदस्त चैलेंज दे सकती है। वहां पर मसराय को शायद हील करने का मौका ना मिल पाए, बट ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया जब ऑरेंज रॉक भी यहाँ पर आ चुकी है। आजकल टपाटप भी ऑरेंज रॉक को थोड़ा सा चैलेंज देने लगती है और बड़ो सीढ़ी के आसपास, और अभी के लिए टेस्टिंग योर ऑन मेडिसिन, बट व्हाट यू नो, अभी तो पार्टी शुरू हुई थी अभी तो पार्टी शुरू हुई थी और पार्टी का अंत यहाँ पे हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पार्टी की, व्हाट जस्ट हैपेंड देयर, आई मीन आई थिंक द रूम वाज ग्लिच्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग।